हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंपोर्टेड एडुकेशन फ्रॉम लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी। इसमें हम उसके कुछ रिजल्ट पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारे पास एक थ्योरम है, इसका रिजल्ट ये थ्योरम है हमारे पास, एक फंक्शन एफ, फर्स्ट कंडीशन जो है वो है हमारे पास ए बी इन ए बी इज कॉन्स्टेंट इज कॉन्टिन्यूस, एंड सेकंड कंडीशन है हमारे पास एंड डिफरेंशिएबल, यानी ये फंक्शन है एफ जो कि ए बी में कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है इन ए बी। तो हमारे पास कुछ रिजल्ट है, फॉर ऑल देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, एफ डैश एक्स बराबर जीरो इंप्लाइज फॉर एफ डैश एक्स बराबर जीरो इंप्लाइज एफ इज कॉन्स्टेंट, जहां पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी ये है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। सेकेंड है हमारे पास इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो उस कंडीशन में हमारे पास फंक्शन जो है वो है हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ये है, तो इंप्लाई करेगा एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। और थर्ड रिजल्ट है हमारे पास, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, तो ये इंप्लाई करेगा एफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है यहाँ पे इस थ्योरम में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, मतलब ऐसा फंक्शन जो हमेशा इंक्रीजिंग हो, कहीं पर भी डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो हमेशा डिक्रीजिंग हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कहीं पर भी वो फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। अब इसका हम रिजल्ट है, इनको प्रूफ करते हैं। तो पहले सबसे पहले फ्रेंड्स दिया हुआ है हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है। तो पहले लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम से लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए बी, यानी एक्स वन एक्स टू जो है कोई दो पॉइंट है ए बी में, वो दो पॉइंट किस तरह से है, ए इज लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू लेस देन बी, यानी जो पॉइंट है एक्स वन और एक्स टू दोनों स्पेसिफिक पॉइंट है, और एक्स वन छोटा पॉइंट है एक्स टू बड़ा पॉइंट है, और एक्स वन जो है वो एक ए से बड़ा है और एक्स टू जो है वो बी से बड़ा है, इक्वल टू का भी साइन हो सकता है। ये हो गया, तो यहां से हमने सपोज कर दिया कि हो गया हमारे पास एक्स वन एक्स टू इज सबसेट ऑफ ए और बी, ये हो गया हमारे पास। तो यहां से हम लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, भाई लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम यहां से हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स वन सॉरी एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू एफ डैश सी, ये हमारे पास लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम थी। अब फिर से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स बराबर जीरो फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, जो यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो पहला है फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी एफ जो है एफ डैश एक्स जो है वो जीरो है, यानी हर पॉइंट्स के लिए सी की वैल्यू ये वैल्यू जो है जीरो है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स वन, क्योंकि ये एफ एक्स ये जीरो हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो इंप्लाई एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स वन। अब हमने एक्स वन और एक्स टू कहाँ से पॉइंट वाले हैं, ये यहाँ से पॉइंट वाले हैं। अब इनको जिस तरह से हम
थोड़ा सा यहाँ ए और बी पॉइंट्स हैं और यहाँ पे इसके सबसेट में एक्स वन और एक्स टू, अब एक्स वन एक्स टू कोई भी पॉइंट हो सकते हैं जो कि इनके बीच में सभी पे हमारे पास एक्स वन बराबर एक्स टू ये वैल्यू आती जाएंगी, सेम आती जाएंगी। तो अगर एक्स टू को हम यहाँ पे फिक्स मान लें बी, जो इक्वल टू का साइन लगाया है इसको हम बी मान लें, फिक्स मान लें, और सपोज यहाँ पे एक्स वन को हम वेरी करते जाए, एक्स वन को हम चेंज करते जाए, तो इस तरह से हमारे पास सारे पॉइंट्स पे वैल्यू जो आएगी एम आएगी, ए की वैल्यू जो मान लो मानोगे वो एम वैल्यू है। तो इस तरह से जो फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया। अब सेकंड कंडीशन, जब हमारे पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होने के केस में सेकंड है हमारे पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इंप्लाई करेगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स किसी पॉइंट सी के लिए एफ डैश सी यानी जो पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है एफ सी यानी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो यहां से हो जाएगा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो है। अब फिर से एक्स टू एंड एक्स वन ये वैल्यू को अगर देखें तो एक्स टू जो है वो एक्स वन से बड़ा है, यानी ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें यहाँ तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से इंप्लाई हो गया हमारे पास इंप्लाइड एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन, यानी हमारे पास अब जो कोई भी पॉइंट हो कितना भी छोटा सबसेट ले लो एक्स वन और एक्स टू का, वहां पे हमेशा जो बड़ी वैल्यू जो होगी उसमें फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग होगी या बड़ी होगी। तो यहां से हो गया हमारे पास जो फंक्शन है एफ वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां से हो गया इंप्लाई एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब फिर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन चेक करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन चेक करने के लिए हम यहां से क्योंकि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो यानी एफ सी जो वैल्यू थी इक्वल टू ये एफ डैश सी थी, ये वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है, तो ये लेस देन जीरो है मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है। अब दोनों तरफ यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं ये लेस देन जीरो। अब अगर दोनों में एक्स टू माइनस एक्स वन का मल्टीप्लाई करें चूंकि ये इवन नंबर है सॉरी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर होने की कंडीशन में साइन चेंज नहीं होगा, यहां से हो जाएगा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन लेस देन जीरो, यहां से हो गया एफ एक्स टू लेस देन एफ एक्स वन। तो यहां से हो गया हमारे पास हमेशा ये फंक्शन जो है एक्स टू जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी और एक्स वन जो है वो छोटा होता जाएगा, यानी ये एक्स टू वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगी ये छोटा होता जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। फिर इस तरह से हमने लैग्रांज जो मीन वैल्यू का ये डेरिवेशन था इसको हम प्रूव कर दिया हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल होंगे उनके सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।